पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की विधानसभा में एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है जिसने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं पीओके का ये प्रस्ताव भारत के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव से भी मिलता जुलता है। दरअसल पीओके की विधानसभा में भारत के कश्मीर से वहां तक एक कॉरिडोर बनाने की मांग की गई है। इससे पहले कुछ ऐसा ही प्रस्ताव अमित शाह भी ला चुके हैं, जिसमें अमित शाह ने पीओके तक करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर एक गलियारा बनाने की बात कही थी। इसके अलावा भारत के गृह मंत्री ने पीओके में स्थित शारदा पीठ तक एक रास्ता बनाने का भी भरोसा दिलाया था। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा था कि भारत सरकार इस दिशा में काम करेगी, जिससे श्रद्धालुओं को शारदा पीठ के दर्शन का मौका मिल सके। गौरतलब है कि 29 मार्च को सत्ताधारी तहरीक इंसाफ के जावेद बट ने पीओके की विधानसभा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव लाया तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। इस प्रस्ताव में देश की सरकार और पीओके सरकार से सीमा पार रहने वाले कश्मीरियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर देने की मांग की गई। प्रस्ताव में कहा गया है, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे भारत में कश्मीर घाटी और यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल सके। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 से व्यापार भी बंद है और पीओके से कोई भी कश्मीरी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में नहीं जा सकता है। पीओके की विधानसभा में आए इस प्रस्ताव से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। पाकिस्तान में चर्चा होने लगी है कि ये प्रस्ताव भारत के दावे को मान्यता देने जैसा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शारदा पीठ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और पीओके की विधानसभा में कॉरिडोर बनाने की मांग क्यों की गई है। दरअसल शारदा पीठ, जिसे माता शारदा देवी मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है, उसके दरवाजे भारत के उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खुलते हैं। ये मंदिर बस 500 मीटर दूर पीओके में है। मंदिर नीलम घाटी में है और 1947 से ही भारतीय लोग इसके दर्शन से दूर हैं। मार्च 2019 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि वो करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को खोल सकते हैं। इमरान खान ने शारदा पीठ के अलावा कटास राज मंदिर का भी नाम लिया था। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए काफी पवित्र जगह मानी जाती है। कटास राज मंदिर मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर दूर छोटे से गांव में स्थित है। वहीं अब पीओके की विधानसभा में कॉरिडोर की मांग उठी है तो आने वाले वक्त में संभावना है कि इस पर सियासत गर्मा सकती है। भारत पहले ही कॉरिडोर की बात कह चुका है, ऐसे में पाकिस्तान का रुख देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।